हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करा था डीएनए के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए डेट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा राइबो सुगर, जो कि पेंटोस शुगर है, और इसका जो फॉर्मूला है C5H10O5। सेकंड हमें यहाँ पर मिलेगा फॉस्फेट, और थर्ड हमें मिलेगा यहाँ पर बेस पेयर। ये तीन कंपोनेंट है आपके आरएनए के। तो पेंटोस शुगर को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, सेकेंड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आएगा। डीऑक्सी के केस में आपको दोनों हाइड्रोजन नज़र आ रहे थे। तो ये हो गया आपका राइबो शुगर। फॉस्फेट के लिए आपके पास ये है, और बेस पेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे ए, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। ये बेस पेयर आपको नज़र आएंगे। थायमिन यहाँ पर क्या रहेगा, आपका अब्सेंट रहेगा। ठीक है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, इंस्टेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड इंस्टेड ऑफ जीनोमिक आरएनए। तो आरएनए के टाइप की बात करते हैं हम लोग। आरएनए के टाइप के अंदर पहला आपका यहाँ पर होगा जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए आपको एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वायरस के अंदर। अब जीनोमिक आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए हमारे पास है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको को अफेक्ट करता है। डबल स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास है यहाँ पर रियो वायरस, और एक इंटरेस्टिंग वायरस है हमारे पास HIV। ठीक है, ये क्या करता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसको ये कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है डेट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से ये आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। HIV काफ़ी डेंजरस वायरस है, ये बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको अफेक्ट करता है। एक्चुअली में HIV वायरस बॉडी की जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उसमें से एक है मैक्रोफेज, जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनकाउंटर करती है, उसको अफेक्ट करती है, और उसके अंदर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के बाद वो टी सेल को अफेक्ट करेगी। टी सेल बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है, तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और फिर हमें डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है जब HIV वायरस का लोजेज जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट है HIV वायरस का बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशंस में इंसान की डेथ हो जाती है। तो डेट वॉज जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए के बाद यहाँ पर है स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ये आपने नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में करना है। इसका रोल होता है जीन साइलेंसिंग में, यानी कि इट प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये काफ़ी ज़रूरी होता है एमआरएनए की प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि एक्चुअली में आपका स्टार्टिंग में hnRNA बनता है, हेट्रोजीनस आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और फिर बनता है आपका मैसेंजर आरएनए डेट वाज फंक्शनल आरएनए। तो hRNA से mRNA बनाने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर है आपके पास स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये प्रोटीन के सिंथेसिस और प्रोटीन के प्रोसेसिंग में इसका रोल होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारे सिलेबस में है, और न्यूक्लिक एसिड का एक जो सेकेंड टाइप है डेट इज़ आरएनए।
अब हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप के आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए दो टाइप का होगा आपका, 70S और 80S। 70S जो है उसकी यूनिट्स आपको पता है 50S और 30S, ठीक है। 50S को तोड़ने से हमें फर्दर स्मॉल यूनिट्स मिलती हैं, डेट इज़ 23S और 5S, और 30S को तोड़ने से और हमें छोटी यूनिट्स मिलेंगे विच इज़ 16S। इसी तरीके से 18S को तोड़ने से मेरे को मिलेगा 60S और 40S। 60S को तोड़ने से फर्दर मुझे यूनिट्स मिलती हैं 28S, 5.8S और 5S। 40S को तोड़ने से मुझे मिलेगा 18S, ठीक। ये आपका एसोसिएट होता है प्रोटीन के साथ, तो इसीलिए हम राइबो प्रोटीन इसको कहेंगे, राइबो प्रोटीन। इसकी परसेंटेज आपको सेल के अंदर मैक्सिमम मिलेगी तीनों आरएनए से ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्लस में मैसेंजर आरएनए है और टीआरएनए है, ये तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसका परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलता है, इसका लाइफ स्पेन भी आपको ज़्यादा मिलेगा और ये कॉइल्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं पहले की क्लासेस में, तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट। फिर सेकंड है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पॉलीपेप्टाइड्स को बनाने के लिए कि भाई उस पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो कैसा रहने वाला है। तो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर जो होगा वो हम लोगों को पढ़ना है, डेट इज़ लीनियर। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिक कोडोन होता है। कोडोन का मीन्स है यहाँ पर स्पेसिफिक नाइट्रोजिनस बेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आपकी mRNA के अंदर प्रजेंट होगी, ठीक है। जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिपलेट कोडोन वाला कॉन्सेप्ट बताया है। ये है आपकी टेल रीजन। टेल रीजन में आपको यहाँ पर पॉली ए टेल मिलेगी। पॉली ए का मतलब यहाँ पर एडिनिन आपको मिलेंगे लगभग 200 से 300 के आसपास। इनका काम होता है mRNA को डिग्रेड होने से बचाना, क्योंकि बहुत सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, तो जो mRNA है वो आपका प्रोटेक्ट रहे उसके लिए यहाँ पर पॉली ए टेल लगी रही मिलेगी आपको। ये है आपका ट्रेलर रीजन, टेल वाला रीजन। यहाँ पर आपको UTR मिलेगा, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में अपना रोल नहीं दिखाते हैं। मींस कि UTR के अंदर कोई भी ऐसे कोडोन नहीं होंगे जो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिटरमाइन करते, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि mRNA को राइबोसोमल RNA के साथ अटैच में इनका रोल होता है, UTR रीजन में पाए जाने वाले कोडोन का। ये है आपका लैडर रीजन। लैडर रीजन के अंदर भी आपको UTR सीक्वेंस मिलेगा, और ये हेड रीजन है। हेड रीजन में आपको 7-methylated guanine की कैपिंग मिलेगी। इसका काम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास guanine है डेट इज़ उसका जो 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा आपको। फिर आपके पास यहाँ पर इनिशिएशन साइट जहाँ पर इनिशिएशन कोडोन होता है AUG, और फिर फाइनली आपके पास इधर है टर्मिनेशन साइट। टर्मिनेशन साइट पे प्रोटीन का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होते हैं UAG, UGA या फिर UAA, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल साइट जहाँ पर कोडोन होंगे किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए। सो डैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। अब हमारे पास है लास्ट टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए।
ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका फोल्डेड होगा, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, और टीआरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आपको एंटीकोडोन साइट मिलेंगे। एंटीकोडोन वो होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कोडोन प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, ठीक है। अगर एमआरएनए के ऊपर कोडोन ए यू जी प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन मिलेंगे। ए की पेयरिंग इन केस ऑफ डीएनए टी के साथ, लेकिन आरएनए के केस में ए की पेयरिंग किसके साथ होगी, क्योंकि थायमिन यहाँ अब्सेंट है, थायमिन अब्सेंट है तो ए की पेयरिंग आपकी होगी यूरासिल के साथ, तो इधर मिलेगा आपको यू। अगर यहाँ पर यू है तो इधर मिलेगा आपको ए, ठीक है, और यहाँ पर अगर जी है तो जी का अपोजिट मिलेगा आपको सी, डेट इज राइबोसोम बाइंड साइट। टीआरएनए की ये वो साइट है जो राइबोसोम के साथ बाइंड करेगी, और यहाँ पर आपको मिलता है टी साई यू, ठीक है, सूडो यूरिडीन और सूडो थाइमिडीन, यानी कि मॉडिफाइड बेस पेयर आपको इधर मिलेंगे। इधर मिलेगा आपको डी एच यू डाईहाइड्रो यूरिडीन, ये भी मॉडिफाइड बेस पेयर है जो कि टीआरएनए की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि टीआरएनए जो आपका न्यूक्लियस के अंदर बनेगा उसको एमआरएनए उसको साइटोप्लाज्म में जाने के लिए जो भी फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये बेसिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये है वेरिएबल आर्म, इसका भी काम किस में होता है, टीआरएनए की फोल्डिंग में। ये थ्री साइट है टीआरएनए की जहाँ पर आपको सी सी ए ये सीक्वेंस मिलेगा, और इस पे आपको OH ग्रुप मिलेगा। ये OH ग्रुप अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है, और उसके बाद ये टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के जाता है एमआरएनए के पास, और फाइनली तीनों मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दिस एंड इज 5' एंड, सो डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो इस तरीके से हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड कम्प्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स। ओके, थैंक यू।